अच्छा, हमारा अब अगला टॉपिक जो है वो है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस क्या है, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक्चुअली क्या था कि दो अलील्स थी वो अपना अपना पार्ट प्ले कर रही थी। कोई भी हम ये नहीं कह रहे थे कोई ये वाला डोमिनेंट है, या जैसे रेड और वाइट का हमने देखा था रेड डोमिनेंट है या वाइट डोमिनेंट, हम ये नहीं कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि दोनों अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और इनकम्प्लीट हैं, कोई भी डोमिनेंस किसी की नहीं है। अब कोडोमिनेंस में क्या होगा, यहाँ पर दोनों डोमिनेंट होंगे। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या हो रहा था कि अगर रेड और वाइट मिल लेते तो बनना था ये पिंक, ठीक है, दोनों के अपना अपना पार्ट प्ले करने से ये हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर जब दो कलर्स मिलेंगे, वैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, रेड और वाइट मिलेगा तो कुछ नया नहीं बनेगा, जैसे पिंक बन रहा था तो कुछ नया नहीं बनेगा। तो अगर कोई आप फ्लावर कलर ले लें, अगर फ्लावर कलर का आप पेटल ले लें, पेटल का आधा हिस्सा या कुछ पार्ट जो है रेड होगा और कुछ पार्ट वाइट होगा। ऐसे कोई भी करेक्टर जो हम अभी पढ़ेंगे, या इन्होंने कैटल के बारे में बताया हुआ है, वह बुक की एग्जाम्पल है, हम पढ़ लेते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आती, वही होता है आधी चीज़ या कोई पार्ट चीज़ का वो एक कलर शो कर रहा होता है और दूसरा पार्ट दूसरा कलर शो कर रहा होता है, तो ये कोडोमिनेंस इसको कहते हैं। अच्छा, अब कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच बोथ कंट्रास्टिंग एलील ऑफ अ ट्रेड आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट हैं और एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हेटरोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है, और दोनों एक्सप्रेस करती हैं हेटरोजाइगस कंडीशन में और कोई भी मास्किंग इफेक्ट नहीं होता है और ब्लेंडिंग भी नहीं होती, मतलब मिलता नहीं है। वही बात मैंने आपको बताई कि ब्लेंड हो जाए कोई चीज़, ब्लेंड होके जैसे ये वाइट रेड और वाइट इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर आपने पढ़ा है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड और वाइट मिलकर पिंक बना रहा था तो ये ब्लेंडिंग हो रही, दोनों मिल गए। तो मगर यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं हो रही, मिल नहीं रहे, यहाँ क्या है कुछ पार्ट रेड होगा कुछ पार्ट वाइट होगा, तो दोनों जो है वो डोमिनेंट होंगे, ठीक है। अब अगला क्या है भाई, इन्होंने अब आगे एग्जाम्पल है, मैं यहाँ देखता हूँ एग्जाम्पल इन्होंने चार्ट की फॉर्म में दी होगी, पीनट स्क्वायर अगर बनाया हुआ है, नहीं। अच्छा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ इसमें क्या है। देखें, इसमें होता यह है कि हम अगर क्रॉस कराएं, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि होमोजाइगस कंडीशन, ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट हॉर्न रेड कैटल, ठीक है, रेड कैटल है, रेड कलर है तो मैं ये मिटा देता हूँ। अच्छा, रेड कलर है तो मैं रेड कलर यहाँ ले लेता हूँ, रेड को मैं आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दो अलील होती हैं एक फादर से एक मदर से आती है तो मैं कैपिटल आर दोनों रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग हमेशा होमोजाइगस होता है। अच्छा, एक तो ये आ गया, एंड अ ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट हॉर्न वाइट कैटल है, वाइट है तो हम इसको जो है वो मैं इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, चलें के दोनों W आ गए। उसके बाद क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा, रॉन कलर होगा। रॉन कलर क्या है एक्चुअली, कि जब रेड और वाइट जब मिल जाएं, ठीक है, रेड और वाइट कुछ पार्ट रेड हो और कुछ पार्ट वाइट हो, तो ये हम क्या कहते हैं, ये रॉन कलर है। तो क्लोजर एग्जामिनेशन जबकि रॉन कलर की, तो क्या हुआ कि उसमें ये पता चला कि डज नॉट पोजेस इंटरमीडिएट शेड, मतलब कोई मिलने से कोई नया कलर नहीं बना, मगर क्या हुआ, इट अपीयर्स सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड और वाइट, दोनों हेयर्स इसके ऊपर मौजूद हैं। अगर ये बॉडी है उसकी, इसके बाद कुछ पार्ट पर रेड हेयर होंगे कुछ पार्ट पर वाइट हेयर होंगे, तो इन इस कॉम्बिनेशन को हम ये कह देते हैं कि रॉन कलर है। जब क्लोजर एग्जामिनेशन की गई तो हमें यह पता चला कुछ उसके बाल रेड हैं कुछ वाइट हैं और इवनली प्रेजेंट स्किन पे हैं, तो इससे यह पता चला कि इट इज़ क्लियर फॉर्म इट इज़ क्लियर फॉर्म इट दैट नन ऑफ द टू जीन्स इज डोमिनेंट ओवर द अदर, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों डोमिनेंट हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि हम कहें रेड उसके ऊपर डोमिनेंट है या वाइट हेयर कलर उसके ऊपर डोमिनेंट है, ऐसा कुछ नहीं। एक तो एग्जाम्पल हो गई हमारे पास ये कैटल की, दूसरी एग्जाम्पल क्या है, दूसरी एग्जाम्पल हमारे ब्लड ग्रुप की है। ब्लड ग्रुप एक्चुअली हमारे पास, अगर आप रेड ब्लड सेल देखें उसके ऊपर कुछ एंटीजन होते हैं, अगर उसके ऊपर एंटीजन ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम एंटीजन, ठीक है, ये एक और रेड ब्लड सेल है इसके ऊपर एंटीजन है एन एंटीजन, ये एक बंदे का है, किसी एक पर्सन वन का है, ये पर्सन टू का है, एक पर्सन थ्री है उसके पास एम भी है और एन भी है, ठीक है, पर्सन थ्री है। तो ये क्या होगा एक्चुअली, ये हमारे पास कोडोमिनेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एम एंटीजन और एन एंटीजन किसी ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म नहीं किया, ये दोनों जो है वो डोमिनेंट हैं। तो यही मेंशन है, ये साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने डिस्कवर किया एम एन ब्लड टाइप इन अ मैन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट आरबीसी, एम एन ब्लड टाइप इन्होंने डिस्कवर किया, और क्यों, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट होते थे उसके ऊपर उसके बेसिस पे, और वो एंटीजन क्या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते थे। ये फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है, इस बात को बेशक छोड़ दें, क्या जहन में रखना है कि एम एन एंटीजन होते हैं रेड ब्लड सेल के ऊपर, और तीन तरह के हैं, एम एन या किसी में एम होगा या किसी में सिर्फ एन होगा या एम एन दोनों भी हो सकते हैं, और एक जीन है जिसको एल जीन कहते हैं वो इनके बनाने को कंट्रोल करती है। तो फिनोटाइप क्या है भाई, फिनोटाइप है
एम अगर फिनोटाइप है तो जाहिर है एक भी किसी करेक्टर के लिए दो अलील्स होती हैं, एक फादर से आता है एक मदर से, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, एल जीन है, एल ने एम बनाया और दूसरे एल ने भी एम बनाया तो ये एम शो हो गया और एंटीजन क्या है, एम आ गया, ठीक है। अगर एन है किसी बंदे में तो जो एल जीन है उस दोनों एल जीन फादर और मदर वाले ने दोनों ने एन बनाया तो एन एंटीजन आ गया। तो अगर एम एन है तो फादर, आप समझ लें ये फादर वाली एंटीजन है और ये मदर वाली है, तो फादर वाले ने एम बना दिया और मदर वाले ने एन बना दिया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मदर वाली एम बना दे और फादर वाली एन बना दे, कोई भी, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो क्या होगा, एंटीजन एम और एन दोनों हो जाएंगे और ये क्या होगा, ये कोडोमिनेंट होगा। इफ अ पर्सन हैज, इफ अ पर्सन ऑफ एम ब्लड ग्रुप मैरीज अ वुमन ऑफ एन ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्या करें, ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रन विल बी एम एन। मतलब क्या, देखें ये बात आपको अगर मैं समझ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको पीनेट स्क्वायर बनाना आ गया। देखें इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं अगर एक बंदे का एम ब्लड ग्रुप है, एम ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों अलील्स का एम होना ज़रूरी है, तो ये एक अलील, दोनों अलील जो हैं एक फादर की एम है, कह रहे हैं मदर का एन है, तो मदर के एन होने के लिए दोनों अलील का एन होना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि दोनों अगर एन होंगी तो ही एन होगा, अगर एक एम हो गई तो एम एन बन जाएगा, तो ये बन गया इनके फादर का जीनोटाइप। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होगा, दोनों एम अलग हो गए फादर के और दोनों एन मदर के अलग हो गए, अलग कर दिए, अब एक एक मिल जाएगा, क्या बनेगा, अगर हम ऑफस्प्रिंग में देखें, अगली जनरेशन है, F1 जनरेशन है, तो इसका ब्लड ग्रुप आया MN। तो ये इस बॉक्स में ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट और डोमिनेंट्स और कोडोमिनेंट। यहाँ बड़ा मसला होता है बच्चों को कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स में भी दोनों करेक्टर शो कर रहे थे, कोडोमिनेंट्स में भी। एक बार दोबारा समझाता हूँ इसको, देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स में ब्लेंडिंग हुई थी, ठीक है, अगर रेड है और दूसरा वाइट है तो ये दोनों मिल के एक नया कलर बनाएंगे जिसको पिंक कह रहे हैं। सिमिलरली कोडोमिनेंट्स देखें, कोडोमिनेंट्स में अगर मैं इसको मिटा के यहाँ बनाता हूँ, अगर कोडोमिनेंट्स में अगर रेड है और वाइट है तो ये क्या होगा, ये मिल के नया कलर नहीं बनाएंगे, कुछ पार्ट जो है वो रेड हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो ये मिल के कुछ नया कलर नहीं बना रहे, ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स नहीं हो रही, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसका कंपैरिजन। फिनोमिन ऑफ इनहेरिटेंस वेयर एक्सप्रेशन ऑफ बोथ कंट्रास्टिंग अलील ब्लेंड कर जाती है हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब दोनों अलग अलग होंगी तो वो ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और ये क्या, फिनोमिन इनहेरिटेंस वेयर एक्सप्रेशन ऑफ बोथ कंट्रास्टिंग अलील डज नॉट ब्लेंड नहीं होती, ये दोनों शो हो रहे होते हैं। उसके बाद न्यू फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है, जाहिर है जब ब्लेंडिंग होगी तो एक नया कलर, जैसे मैंने बताया पिंक है, और न्यू फिनोटाइप नहीं बनता, दोनों शो हो रहे होते हैं, ठीक है, बता चुका हूँ। क्वांटिटेटिवली बोथ एक्सप्रेस इक्वली, ठीक है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। इक्वली एक्सप्रेस होने के बाद क्या होता है, एक नया कलर जैसे पिंक शो हो रहा था हो जाता है। क्वांटिटेटिवली दोनों एक्सप्रेस अनइक्वली, मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे हमने रेड और वाइट देखा था तो उसका 70% बॉडी का पार्ट क्या हो, 70% हेयर क्या हो, रेड हो और 30% वाइट हो, तो अनइक्वल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों 50-50% ही एक्सप्रेस हो रहे हो, बट ये है कि दोनों अलग अलग एक्सप्रेस होंगे, कुछ नया नहीं बनाएंगे, आपको बड़ा ज़रूरी है आपको याद रखना। एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, 4 o'clock प्लांट था इसमें और हेयर कलर इन काओ था और MN ब्लड ग्रुप इन मैन था। तो ये आपका टॉपिक हो गया कोडोमिनेंस का। अब मल्टीपल एलील्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।